चलो तो आज मैं आप लोगों को ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ से एक गुफा है, वो गुफा अमरनाथ जाती है, सब बोलना है, बाकी उसको गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को प्लेस दिखाता हूँ। चलो चलते हैं, मोक्ष चल रहा है, आजा। हम पहुंच गए। अभी पहले यहाँ पे कितना कुछ भी नहीं था, और धीरे धीरे अब देखो यहाँ पे क्या क्या बन चुका है। सीढ़ियाँ भी बन चुकी है, पहले तो सीढ़ियाँ भी नहीं थी यहाँ पे। मोक्ष क्या कर रहा है उधर, आ जा आ जा, कम ऑन, चली चली चलो, गुड बॉय गुड बॉय। जगह तो शानदार, हम जो है वो यहाँ पे ऊपर पहुंच गए हैं। चलिए सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन करते हैं, हनुमान जी से मिलना भी हो गया, बोलो जय श्री राम। अब कुछ देर हम इनसे बात कर लेते हैं, कुछ शिकायतें प्रॉब्लम्स कुछ अच्छी बातें, जैसे दिन होने दिखे रहा था। क्या पॉजिटिव वाई वाई है यार। ये है बामदेव जी की गुफा, जो बोलते हैं कि ये यहाँ से अमरनाथ तक जाती है, जिसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये है गुफा, ताकि लोग इसमें जाने की कोशिश ना करें। किसी का रूम है जहाँ पे हमको नहीं जाना चाहिए, बेड बेड लगा हुआ है। और बाकी ये है एक, ये देखो, इसके अंदर बहुत पहले जब हम छोटे थे तो हम गए थे जानने के लिए कि गुफा कहाँ तक जाती है, लेकिन फिर हम अंदर गए तो पता चला कि आगे रास्ता बंद हो जाता है। रियल जो गुफा है वो है उधर वाली, ये देखो मकड़ी। अब इधर से अंदर जाते हैं, चले मोक्ष आजा, चल आगे तू चल साले। नाइस। मोक्ष कैसा लग रहा है, मोक्ष फट रही है। अबे साले चलना, आजा मोक्ष चल, चलो आजा 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 आजा, चलो चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं। इसकी भी फट रही है, मेरी भी फट रही है। ये देखो ये गुफा यहीं पे खत्म हो जाती है, और चलते आगे। ये देखो अब तो दिख ही रहा होगा, ये गुफा का एंड है। देखो पहाड़ अंदर से कैसा दिखता है, ये देखो स्टोन्स, ये देखो एकदम कांच बना हुआ है, ये देखो ब्लैक स्टोन पूरा काला। अब मैं आप लोगों को एक रियल गुफा दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा मैं ना लो फील कर रहा था, आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा जिस जगह पे मैं गया था, तो वहाँ पे मैं जब से जाकर आया तब से थोड़ी एक बैड एनर्जी आ रही थी। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मेन गुफा में, जो मेन गुफा है इसको गवर्नमेंट ने बंद करा है, लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक क्या है। ये देखो दिख रही है पूरी ऐसे जा रही है, चलिए चलते हैं। पूरी पहाड़ों से बनी हुई है और गुफा जा रही है आगे तक, फट रही है वैसे तो मेरी, क्योंकि क्या है ना ऐसी जगहों पे हमको सांप बिच्छू देखने को मिल सकते हैं। मोक्ष आजा, तू भी चल आजा आजा, मैं जा रहा हूं। मकड़ी ये देखो, देख रहे हो एक्चुअली बात ऐसी है कि अभी मेरी फुल ऑन फट रही है क्योंकि मैं अकेला हूं, और ऑलरेडी एक चीज जो अभी मैंने कीड़ेबाजी करी थी लास्ट वाले ब्लॉग में, उसके वजह से मैं थोड़ा सा सहमा हुआ हूं। बाकी देख सकते हो यार, आगे जाने की फुल ऑन इच्छा है मेरी, फुल ऑन पूरी पूरी। यहाँ पे पानी यहां तक आता है, ये देखो शायद ये खुली हुई है गुफा, लेकिन कहां तक वो मुझे पता नहीं। आगे चलना, लेकिन मोक्ष आ नहीं रहा। मोक्ष आजा ले, मोक्ष आजा, जा रहा हूं मैं, आजा। आ ही नहीं रहा वो तो, मोक्ष तो आ ही रहा, वो कभी ऐसे नहीं करता है, वो मेरी सुनता नहीं, सुनता है वो मेरी, लेकिन जब भी कुछ ऐसी गड़बड़ होती है ना तब वो सुनता नहीं है। अब चले नहीं चले मुझे ऐसी समझ में नहीं आ रही है।
यहाँ पे सिर्फ इतना सही रही है, उसके बाद आगे जा रही है, पूरी आगे जा रही है, ऐसे घूम रही है ऐसे आगे जाके। क्या हम लोगों को आगे जाना चाहिए? बस यहाँ पे मकड़ी आया रही पहाड़ों के ऊपर, यहाँ पे मकड़ी है, फुल पावर फट रही है। इतना सी इतनी सी जगह है, देखो मुझे लगता है हल्का हल्का लेट के जाना पड़ेगा। कोशिश करते हैं राम का नाम लेके। मकड़िया देख रहे हो कैसी मकड़ी है, देखो काली काली सी कैसी सी मकड़ी है यार, बस ऐसी। अरे यार एक और ऊपर देखो, बस इसीलिए मैं आगे नहीं जाना चाहता। बाकी कोई डर की टेंशन नहीं, लेकिन मकड़ियों मुझे बहुत नफरत है मकड़ियों से। यहाँ पे हम कभी और चलेंगे, आज की वीडियो यहाँ तक ही। बाकी यहाँ से कुछ ऐसा शानदार व्यू है देखो। पुष्कर लास्ट ट्रैकिंग ब्लॉग वहां का था, गड़ुम्बा का। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, जरूर ट्राई करना गाइस, ये जगह बहुत अच्छी है। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी गुड है क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी है। फिर भी ये मकड़िया जो है ये बहुत सताती है, बहुत ज्यादा सताती है, वरना हम पता नहीं क्या क्या कर दें। किसी फ्रेंड्स के साथ आएंगे और फिर अंदर जाने की कोशिश करेंगे, फुल टॉर्च वाल मतलब फुल एनर्जी वाले मूड में आएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है। चाओ बोलो, चाओ बोलो, चाओ चाओ चाओ, जय भोलेनाथ।